अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। हैदराबाद की महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झिझोड़ कर रख दिया। 27 साल की एक पशु चिकित्सक के साथ रेप के बाद हत्या की घटना के बाद लोगों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के कई सितारों ने इस पर गुस्सा भी जाहिर किया है और अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट की हैं। ऋषि कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार, स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा समेत कईयों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। एक ओर जहां ये सितारे काफी मुखर होकर अपनी राय रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली। एक्ट्रेस दीपिका मुंबई एयरपोर्ट पर अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ दिखी। यहां उन्होंने कार्तिक की आने वाली फिल्म पति पत्नी और वो के गाने धीमे धीमे का हुक स्टेप किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर धीमे धीमे चैलेंज चल रहा है। कार्तिक ने दीपिका से इस गाने के स्टेप करने के लिए कहा। दीपिका भी पीछे नहीं रही और वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए डांस करने लगी। दोनों जब डांस कर रहे थे तब एयरपोर्ट पर मौजूद उनके फैंस वीडियो बनाने लगे। डांस के बाद जब दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट से निकलने लगी तो उनसे पत्रकार ने हैदराबाद रेप और हत्या मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाही। पहले तो दीपिका पत्रकार की ओर देखती हैं, लेकिन सवाल के बाद वो देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। दीपिका का ये रिएक्शन देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आपको बता दें, 27 नवंबर की रात को एक महिला डॉक्टर को ट्रक ड्राइवर और उसके साथियों ने अपहरण कर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। आरोपी महिला को सुनसान जगह ले गए और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। एक आरोपी ने मुंह और नाक दबाकर पीड़िता की जान ले ली और पेट्रोल डालकर उसका शव जला दिया। मामला सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा बना हुआ है। ऐसे में इतनी बड़ी एक्ट्रेस की चुप्पी कुछ अजीब सी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दीपिका पादुकोण ने इस सवाल का जवाब नहीं देकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और ऐसी कई और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।